बिना डिग्री हॉस्पिटल चला रहे एक फर्जी डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी बल्लभगढ़ के भोरा पब्लिक स्कूल रोड पर आशीर्वाद हॉस्पिटल के नाम से क्लिनिक चला रहा था। विभाग के अधिकारियों ने एक फर्जी मरीज इस हॉस्पिटल में भेजा और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर अस्पताल के संचालक से जब कागजात मांगे तो वह कोई भी कागज नहीं दिखा सका। बल्लभगढ़ के सीएमओ डॉक्टर टीएस गढ़वाल ने तुरंत इस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को जब इसकी सूचना मिली तो बल्लभगढ़ के सीएमओ टीसी गढ़वाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और वहां फर्जी मरीज बनाकर भेजा गया। इस मरीज का जब इलाज किया जाने लगा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस अस्पताल को चलाने वाले पंकज गुप्ता को रंगे हाथ पकड़ लिया और उससे डिग्री के कागज मांगे, लेकिन पंकज कोई भी कागज पेश नहीं कर सका। इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे बल्लभगढ़ के एसएमओ टीसी गढ़वाल की माने तो इसने अपने अस्पताल के बाहर बाल रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ था और अपनी डिग्री एमडी के रूप में दिखाई हुई थी। जब उन्होंने इसकी डिग्री मांगी तो वो कोई भी सही कागज पेश नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि उक्त डॉक्टर बीएएमएस के कागजात ही दिखा पाया, जबकि एमडी की कोई भी डिग्री उसके पास नहीं मिली। से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि आशीर्वाद अस्पताल के अंदर जो मतलब कि डॉक्टर हैं वो किसी फेक डिग्री के थ्रू काम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पर छापा मारा और इंस्पेक्शन की तो हमें ये मिला कि एक्चुअल में वो डॉक्टर एक्जैक्टली पीडियाट्रिशियन नहीं है, लेकिन उनको जो डिग्री हमें मिली है, जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं, उसमें एक्चुअल में बीएमएस के सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो उनके हिसाब से जो है कि उन्होंने आज एमडी पीडियाट्रिक एजेंसी में काम कर रखा है, लेकिन वो उसकी डिग्री प्रोड्यूस हमारे पास अब तक नहीं कर रहा है। लेकिन इसके लिए जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, हमारी टीम बनी है जिसमें मैं हूँ, साथ में डॉक्टर रामनिवास हैं, साथ में डीसीओ मैम भी हैं। तो उसके थ्रू हमने जो भी अभी तक हमने कार्रवाई की है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स लेके उनके इन सबको जो पुलिस चौकी है चावला खोलने की उसमें जमा करा दिए हैं और उनको अभी एफआईआर लॉज के लिए एप्लीकेशन डाल दी। नहीं दवाई वगैरह तो कोई कोई हमको कोई नहीं मिली, पूरा प्रशिक्षण किया उन्होंने बीएमएस डिग्री होने के नाते, उन्होंने जो भी है सारा ट्रीटमेंट। गौरतलब है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर फर्जी अस्पताल बनाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं ऐसे फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ करके स्वास्थ्य विभाग ने सराहनीय काम किया है। लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, तभी ऐसे फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ हो सकता है और कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।